जी का ये काबरी ब्लॉग है बट चालू है ये ऊपर आ गया ये जनाब ये बड़ी हैवी की लगता है टीवी है ये जनाब चपली कबाब तैयार हो रहे हैं ये कावा ये हम बाद में पियेंगे ये देखें जी ये कोई स्पेशल किस्म का कावा है ये हम बाद में पियेंगे ये देखें गल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उस्मान अली भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी व्लॉग। आज हम मौजूद हैं खान जवारी हुजरा, इनके पास बहुत ही रश लगा हुआ है। बड़ा ही इनका मशहूर तुम्बा है जिनको खाने के लिए लोग आ रहे हैं, बड़ा ही रश लगा हुआ है। तो हमने सोचा आज हम भी खा के चेक करते हैं और आपको बताते हैं क्या इनका वाकई टेस्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो अब खा के देखते हैं, तो चलते हैं आए फिर हमारे साथ, हम आपको पूरा रिव्यू दिखाते हैं इनका, क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास और क्या क्या है खाना है इनके पास और कैसा इनका टेस्ट है। तो खा के देखते हैं, आए चले। ये जनाब इधर ये देखें, ये गोश्त है, यहाँ से अपनी मर्जी के दुम्बा मटन कौन सा मर्जी के आप अपना पीस करवाएं, अपनी मर्जी का गोश्त बनवाएं, फिर जाके जनाब आप खाएं। अच्छा ये हमारा गोश्त तैयार किया जा रहा है, ये अपनी मर्जी का हमने गोश्त लिया, दस्ती का गोश्त है तो ये तैयार कर रहे हैं। अच्छा ये गोश्त तैयार हो गया हमारा, तो अब इधर कोई नंबर लगेगा नहीं, आप फिर जाएगा उधर नंबर लगने के बाद। ठीक है, तो ये नंबर लगने लगा, ये हमारा गोश्त लेके जा रहे हैं भाई। तो जहाँ पे कढ़ाई तैयार हो रही है वहाँ पे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी ये कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं, ये देखें रश रश लगा हुआ है। ये देखें जी काफी कढ़ाइयाँ तैयार हो रही है, काफी इनके पास रश लगा हुआ है। ये कौन सी कर रहे हैं, ताजी कढ़ाई तैयार चिनवारी, तो ये सुलेमानी है। अच्छा जी ये चपली कबाब हो रहा है तैयार, ये बीफ का होता है तैयार, ये मटन का चपली कबाब है। अच्छा अच्छा जी ये सर क्या, अच्छा दम कुक भी होता है आपके पास, इसकी क्या प्राइस है दम कुक, 3000 रुपये एक के जी। अच्छा ये कैसे तैयार करते हैं आप, अच्छा ये स्पेशल ऑर्डर पे तैयार होता है। अच्छा तो जी ये दम पुख्ता है, ये देखे नीचे इन्होंने आलू रखे हुए थे, टमाटर हरी मिर्च और ऊपर ये जनाब गोश्त था, बड़ा ही आउट क्लास लग रहा है मुझे तैयार हुआ ये दम पुख्त। ये साथ आलू है, ये देखे ये आलू, ये टमाटर ऊपर आ गया, ये जनाब रोटी है बड़ी हैवी किस्म की लगता है गली हुई है, ये जनाब पूरी ट्रे बन गई। ये यखनी डाल रहे हैं ऊपर, अच्छा ये चर्बी का जो तेल निकला है ये दुम्बे की चर्बी का, पानी आ गया साल। ये जी का ये काबरी ब्लॉग है मटन का, ठीक है ये गार्निश इसके ऊपर आप करेंगे, मतलब तो ये गाजरे वगैरह जो ऊपर डालते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी हम इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कल के लेट ही गए हैं तकरीबन, तो
अब आएगा तकरीबन घंटा लगेगा इसको पकने में, घंटे तक आएगा तो फिर खाते हैं। भूख बड़ी लगी हुई है, ये मेरे कैमरामैन को तो भूख लगाने के लिए वो जनाब ये देखें ये कावा पहले पहले पीने लग गया, इसको भूख नहीं थी, कहता मैंने भूख लगानी है तो इसको हजम करेगा पहले पिछला खाना, फिर ये ऊपर से रूम्बा चढ़ाएगा। मैंने उसको कहा कि माल पर आया पेट अपना पूरा रख काम, लेकिन साहब ये नहीं कि बाद आता। अच्छा जी, हमारी रूम्बा कराई चपली कबाब, ये है जनाब मटन में रहता और ये पिशाबी रोटी, ये जनाब आ चुके हैं तो अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे इसका कैसा टेस्ट है। बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ा आउट क्लास दिल कर रहा है, तो अब खा दो बस, रिव्यू भी ना दूँ, लेकिन अब मजबूरी है आपको बताना भी है तो अब खा के बता दूँ। फुल गला है, ये देखें भी गल गया, तो ये साथ थोड़ी ग्रेवी लगाएंगे, अब जाएगा जनाब ये मुंह में। भाई जरा अखीर टेस्ट आ रहा है, मजेदार लाजवाब, कमाल का गला है, कोई स्मेल नहीं है। अक्सर दुम्बे में या मटन में स्मेल आती है, वो वाला चक्कर कोई नहीं है, बड़ा आउट क्लास किस्म का गला है, मज़ा आ रहा है यकीन करें। ये धुएं निकल रहे हैं, ये देखें गर्मा गर्म, ये अब जाएगा मुंह में और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मैंने और भी इधर काफी खाए हुए हैं, लेकिन इनका भी अपना ही टेस्ट है, मजेदार है। ताजा गोश्त खाया, ताजा आपके सामने मैंने लिया फिर बनवाया, बड़ा आउट क्लास किस्म का बना हुआ है, बड़ा वीआईपी तरीके से शनवारी कराई है, ये बड़ी आउट क्लास है। अब मैं चलता हूँ, ये मटन का चपली कबाब है जो भी ट्राई करते हैं, ये मैंने पहली बार पहले तो बीफ खाए हैं, मटन का कभी नहीं खाया, आज ये मटन का खाएंगे जनाब। ये जाएगा रहते में और ये अब जाएगा मुंह में। ऐसा कबाब यकीन करें, आपने बीफ के खाए होंगे चपली कबाब, ये बीफ का भी मैं कह रहा हूँ तबाही फेर दिया, लाजवाब, मज़ा आया। कढ़ाई का अपना टेस्ट, कबाब का अपना टेस्ट है, अखीर टेस्ट है, ऐसा टेस्ट नहीं होना आपके मेरे ख्याल में, और नहीं है ऐसे, नहीं इतना रश लगा हुआ है। अब देख सकते हैं कि इतना रश लगा हुआ है इस टाइम, अब तकरीबन रात का 12 बजने वाले हैं, हमारा ऑर्डर आया, ऑर्डर थोड़ा लेट आता है, घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है, लेकिन जब आता है फिर पूरी आपको भूख लगी होती है और पूरी कष्ट कराता है, मज़ा आया यकीन करें। तो मिलते हैं अगली और अच्छी और यूनिक वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।